वाल्ला हबीबी, मैं काफी टाइम से एक लैपटॉप खरीदना चाहती। अबे तो खरीदा क्यों नहीं, लेकिन मैं जो लैपटॉप खरीदना चाहती वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती, मेरे औकात से बिल्कुल बाहर होती। सो गाइस, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मिडिल क्लास फैमिली के नीचे भी कोई फैमिली होती है तो मैं वहां से बिलोंग करता हूं, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने फाइनली अपना लैपटॉप ले लिया है और उसका प्राइस है 1 लाख। कितने में? 1,05,000। Are you fucking serious? कहीं ढक्कन डालने लगे बे? तेरा पास इतना पैसा कहाँ से है? क्या मजा आ गया ये? हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो फाइनली हमारा ड्रीम पीसी आ चुका है। सॉरी, ये वाला है। सो गाइस, ये है लेनोवो का लीजन 5। एंड गाइस, इसके बैक का भी बिल्ड क्वालिटी एकदम प्रीमियम है। अभी तक मैंने जितने भी बैग देखे हैं जो लैपटॉप के साथ आते हैं, उसमें मैंने ऐसी क्वालिटी तो नहीं देखी है। सो गाइस, अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। एंड गाइस, इसके लिए मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक वेट किया है। तो गाइस, फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, और देखेंगे कि ये अदर लैपटॉप से कैसे बेस्ट है, इसमें एडवांस क्या क्या फीचर्स हैं। तो गाइस, फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं, और ये आ गया अपना चार्जर जो कि काफ़ी हैवी लग रहा है, और ये आ गया अपना लैपटॉप जिसकी पैकिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है, इसे काफ़ी प्रोटेक्टिव तरीके से पैक किया गया है। एंड गाइस, इसके साथ ही कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं बॉक्स में, जैसे लेनोवो की तरफ से लव लेटर्स और ये कुछ लीजन के स्टिकर्स हैं। तो अभी इसको साइड में रखते हैं। गाइस, अभी काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी पैकिंग की गई है ताकि ये डैमेज ना हो। तो अभी इसको ओपन करते हैं, और ये झोले से बाहर आ गया अपना लीजन। काफ़ी वेट करा दिया यार इसने। तो ये है इसका चार्जर एक्सटेंशन के साथ। गाइस, इसका चार्जर भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, और ये 230 वाट का है जो कि एक फास्ट चार्जर है। गाइस, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, और इसके डिस्प्ले के हिस्सों काफ़ी स्मूथ लग रही है, और इसे ऑन करके देखते हैं कि कितना फास्ट ये बूट होता है। गाइस, जो इसकी RGB बैकलाइट है जो कीबोर्ड में ऐसे वेव कर रही है, उसे देखने में तो मज़ा ही आ जा रहा है, मतलब टाइपिंग एक्सपीरियंस तो मज़ेदार होने वाला है। गाइस, नाउ गाइस, अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा है AMD Ryzen 7 का 5800H सीरीज़ का प्रोसेसर, जो कि है ऑक्टा कोर 16 थ्रेड वाला, जो कि इस टाइम का बेस्ट प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। अगर आप वीडियो एडिटर हो या फिर गेमर हो या फिर कोई भी मल्टीटास्किंग काम करते हो, इस प्रोसेसर के साथ आपका काम सुपर स्मूथ होने वाला है। एंड गाइस, इसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.2 GHz, और इसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.4 GHz, और इसमें है 4MB L2 और 16MB L3 कैशे मेमोरी। एंड गाइस, इसके ग्राफिक के बारे में बात करें तो इसमें है NVIDIA का GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 के साथ में, जिसका बूस्ट क्लॉक स्पीड है 5800 MHz से लेकर 1714 MHz तक 95 वाट TGP के साथ में। इस प्राइस में अदर लैपटॉप की बात करें तो आपको 75 या फिर 85 तक की TGP देखने को मिलेगी, बट इसमें आपको 95 वाट तक की TGP मिल रही है, जो इसे अदर लैपटॉप से थोड़ा सा बेहतर तो बनाती है। और इसकी रैम की बात करें तो आपको 8GB के दो स्लॉट देखने को मिलेंगे DDR4 3200 के, जिसे आप कभी भी 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और अगर इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसमें 512GB के M.2 2280 PCIe NVMe SSD, जिसे आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो क्योंकि इसमें डबल चैनल है M.2 SSD का। इसमें पहला आपको मिलेगा M.2 2242 SSD, जिसे आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, और आपको दूसरा मिलेगा M.2 2280 SSD, जिसे आप कभी भी 1TB तक का एक्सपेंड कर सकते हो। एंड गाइस, इसके बैटरी के बारे में बात करें तो आपको इसमें 18 Wh की इंटीग्रेटेड बैटरी देखने को मिलती है। कंपनी कहती है कि ये लैपटॉप आपको 9.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप देगी, बट जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप इसके ग्राफिक को ऑफ करके भी यूज़ कर रहे हो तो 6 से 6.5 घंटा भी अगर ये आपको बैटरी बैकअप दे रही है तो बहुत है। और अगर आप इसे हाई परफॉर्मेंस मोड में यूज़ कर रहे हो तो अगर ये 4 से 5 घंटे भी चल रही है तो भी बहुत है। गाइस, इसी के साथ आपको 230 वाट का स्लिम टिप चार्जर दिया गया है, जो आपके फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। एंड गाइस, इसमें है 15.6 इंच का IPS 300 nits वाला एंटी ग्लेयर फुल HD डिस्प्ले, और इसमें गेम खेलने में आपको और भी ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आपको इसमें मिलेगा 165Hz का रिफ्रेश रेट। एंड गाइस, इसकी डिस्प्ले 100% sRGB के साथ है, तो अगर आप इसमें कोई भी फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन वाला काम करते हो तो आपको इसमें बेहतर कलर एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। एंड गाइस, इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसमें दिया गया है वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। एंड गाइस, इसके पोर्ट्स के बारे में बात करें तो इसके लेफ्ट राइट के अलावा इसके बैक साइड में भी आपको भर भर के पोर्ट्स मिला है, तो कनेक्टिविटी में आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक USB Type-C 3.2 सेकेंड जनरेशन का, जो डाटा ट्रांसफ़र के अलावा डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करता है।
एंड गाइस इसके राइट साइड की बात करें तो यहाँ आपको एक यूएसबी टाइप ए दिया है 3.2 फर्स्ट जनरेशन का। एंड गाइस इसके साथ आपको राइट साइड में एक ई कैमरा शटर का स्विच दिया है जो आपकी प्राइवेसी को एक लेवल आगे बढ़ा देता है। एंड गाइस अब इसके बैक साइड के पोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको फिर से तीन तीन यूएसबी टाइप ए देखने को मिलता है और इसके अलावा एक और आपको यूएसबी टाइप सी देखने को मिलेगा जो है 3.2 सेकंड जनरेशन का। एंड गाइस इसके साथ आपको एक और एचडीएमआई 2.1 का पोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक इथरनेट RJ45 देखने को मिलेगा और एक आपको पावर कनेक्टर मिलेगा चार्जिंग के लिए। एंड गाइस इसका कीबोर्ड 4-जोन RGB बैकलाइट के साथ है विथ नमपैड, तो इसमें गेमिंग और टाइपिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। एंड गाइस इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल मिलेगा वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इसका वेट 2.4 kg है जो थोड़ा सा ज्यादा लगा मेरे को, बट इसके बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है। एंड गाइस इसके प्राइस के बारे में बात करें तो अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हो तो अमेजोन में आपको ये अराउंड 1,05,000 का मिलेगा। इसका प्राइस वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू सेल ऑफर एंड इसके अवेलेबिलिटी पर, बट मैंने इसे ऑफलाइन परचेस किया तो मुझे ये अराउंड 1,03,000 का मिला है विद बैग के साथ में। गाइज ये एक गेमिंग लैपटॉप है बट मैंने इसे स्पेशली वीडियो एडिटिंग के लिए लिया है क्योंकि इसका जो फीचर है स्पेसिफिकेशन है वो इस लैपटॉप को एक फुल्ली फंक्शनल पैकेज वाला लैपटॉप बना देता है। तो आप इसमें कोई भी हैवी से हैवी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन या फिर कोई भी हैवी गेम को ईजिली रन करा सकते हो क्योंकि इसका Ryzen 7 5800H प्रोसेसर और इसका ग्राफिक कार्ड GTX 3050 का कॉम्बिनेशन आपके हर एक टास्क को, चाहे वो हाई प्रोसेसर वाला हो चाहे हाई ग्राफिक वाला हो, दोनों को स्मूथली हैंडल करने वाला है। एंड गाइस कई लोग मुझे बोल रहे होंगे कि भाई इस रेंज में तो तू एक डेस्कटॉप बिल्ड करा लेता जिसमें तेरे 10,000 से 15,000 तक सेव हो जाते, बट गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा जॉब लोकेशन कहीं और है, मैं घर पे नहीं रहता और मेरा लोकेशन चेंज होता रहता है, ऐसे में डेस्कटॉप को कैरी करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने एक लैपटॉप ले लिया। एंड गाइस अगर आपका बजट 1,00,000 से कम है तो आप इसे कंसीडर ना करें और अगर आपका बजट कम है तो आप कम प्राइस वाले लैपटॉप को कंसीडर करें, उसमें भी आपका सारा काम होने वाला है। बट अगर आपका प्राइस जीरो है तो आप जीरो बजट में भी यूट्यूब जर्नी शुरू कर सकते हो। मैंने भी अपनी यूट्यूब जर्नी जीरो बजट से शुरू की थी अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के साथ में। गाइस अभी मैंने जितने भी सब्सक्राइबर गेन किए वो उसी एक फ़ोन के हेल्प से किए हैं, तो आगे भी इस चैनल में मोबाइल वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल कंटिन्यू आएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट।